दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती है जिसे हर कोई जानना चाहता है। आप कभी न कभी जो है ट्रेनों से सफ़र करते होंगे तो आपके सामने से एक दूसरी ट्रेन गुजरती होगी तो वो पीछे की ओर आपका जब नज़र जाता होगा तो एक बोर्ड दिखता होगा रेड कलर से, वो वाइट से लिखा हुआ LV। और यदि रात्रि के समय में जब आप यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे कि ट्रेन के पीछे में एक रेड कलर का ब्लिंकिंग होते हुए लाइट जलती रहती है। आज उसी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना बने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों इसे जो है LV बोर्ड या जो ब्लिंकिंग होते रेड कलर का लाइट दिखती है उसे टेल लैंप हम बोलते हैं। LV बोर्ड दिन के समय में लगाया जाता है और टेल लैंप जो है रात्रि के समय में लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, कोचिंग ट्रेनों में अधिकतर जो है LHP कोच में पीछे की ओर फिक्स रहता है और ICF कोच है तो उसमें गार्ड के द्वारा जो है एक टेल लैंप लटकाया जाता है। इसका जिम्मेवारी गार्ड को होता है LV बोर्ड और टेल लैंप लटकाने का। यदि माल ट्रेन है जिसमें गार्ड नहीं है उसमें जिम्मेवारी जो है लोको पायलट की होती है को LV बोर्ड और टेल लैंप को लगाए। इसे हर स्टेशन में स्टेशन मास्टर के द्वारा कन्फर्म किया जाता है कि ट्रेन जो है पूर्णतः सुरक्षित जा रही है, कोई भी पार्ट दूसरी स्टेशन पे से नहीं काटा गया है। ये लास्ट व्हीकल को नोट करना पड़ता है हर स्टेशन में। LV बोर्ड और टेल लैंप को हमेशा जो है ट्रेन के एंडिंग में लगाया जाता है जहां से दूसरी कोई भी बोगी ना हो। आप देखते होंगे LHB कोचों में एक क्रॉस मार्क भी रहती है जिसका AB एक सिंबल है, इसके बाद कोई भी दूसरी बोगी नहीं है। इसकी फायदा दोस्तों हम आपको बताते हैं कि देखिए क्या होता है कि आप हमेशा ये जानते होंगे कि रेड सिग्नल को कभी भी लोको पायलट क्रॉस नहीं करता है, लेकिन यदि सबर्बन एरिया है ऑटोमेटिक सेक्शन है तो वहाँ रेड सिग्नल पास करने का भी नियम है। दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट रुकने के बाद जो है लोको पायलट रेड सिग्नल को पास कर सकता है। टेल लैंप रहने के कारण इसकी जो विजिलिटी होती है रात्रि के समय में 1400 मीटर की विजिलिटी होती है, जो काफ़ी दूर से ही दिख जाती है कि आगे जो है ट्रेन खड़ी है, जिसके कारण लोको पायलट पीछे वाले गाड़ी का सतर्क हो जाता है और अपनी गाड़ी को कम से कम 150 मीटर की दूरी पर रोकता है। यदि EMU और मेमू ट्रेन है तो उसे 75 मीटर के अंतराल में उसे रोक सकता है। दोस्तों LV का तात्पर्य यही है कि गाड़ी सुरक्षित जाए, कोई भी पार्ट बॉगी पीछे की ब्लॉक सेक्शन में ना रुके या दूसरी स्टेशन पे गलती से कट ना कर दे। इसी के कारण इसे LV बोर्ड और टेल लैंप को लगाया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।